ओ भाई साहब, ये पहले स्पाइडरमैन को मार रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो ब्रिज पे हमने शुरू किया था ना, वो हम खत्म करेंगे। ओ माय गॉड, स्पाइडरमैन की धुलाई हो रही है। ये मार देंगे स्पाइडरमैन को। शिट। वेलकम बैक गाइस, माइल्स स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस का नेक्स्ट एपिसोड हम खेल रहे हैं। लास्ट एपिसोड में हमने जो अंडरग्राउंड की लीडर थी थिंकर फिन, उसको बता दिया था, जो असल में माइल्स की गर्लफ्रेंड है, और उसको हमने बता दिया था कि देखो स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस है, मतलब हम है स्पाइडरमैन। तो वो काफी शोक हो गई थी, और वो ये भी जानती है कि स्पाइडरमैन उसको उसके मिशन में कभी कामयाब नहीं होने देगा। तो अभी हमें अंकल जो एरोन है, स्पाइडरमैन के जो अंकल है एरोन, जो प्रोग्राम नाम है जिनका, उन्होंने हमें हेल्स किचन के टावर पे बुलाया है। तो हमने ये सोचा कि पहले यार फिन को बुलाया जाए, मतलब हम फिन से बात करें या नहीं, क्योंकि हमारी मुलाकात नहीं हुई है तब से जब से हमने फिन को ये बताया था। फिन ऑलमोस्ट हमें इसमें स्पाइडरमैन को मारने ही वाली थी, लेकिन वो उसने मारा नहीं, क्योंकि स्पाइडरमैन ने जब अपना मास्क हटाया तो ये माइल्स मोरालेस निकला, उसका जो फ्रेंड है। तो गाइस, तब से हमें फिन से मुलाकात नहीं हुई है, तो पहले हम अंकल एरोन से मिल लेते हैं, फिर बात करेंगे फिन से। तो अंकल एरोन ने हमें हेल्स किचन के इधर बुलाया, हमें ये हेल्स किचन वाला एरिया है, यहाँ पे अंकल खड़े हुए शायद। ओके गाइस, हम लोग आ चुके हैं। अंकल एरोन कहाँ पे है? ये रहे अंकल एरोन, किसे फोन पे बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। आई मास्क, ये प्रॉब्लम है, गिव मी द होल सिचुएशन। बता रहे, कह रहे कि हमें पूरी सिचुएशन बताओ माइल्स। रॉक्सन, कैरेफिन, रॉक्सन अंडरग्राउंड, ये सब कुछ बहुत उलझा हुआ है। 17, you're stressed। अंकल कहते तुम 17 साल के हो, उलझे हुए हो, और ऊपर से तुम सुपर हीरो, तुम्हें थोड़ा ध्यान लगाना होगा। Not much since I सब कुछ ठीक कर सकते हो। वर्क लाइफ बैलेंस kid, अपने वर्क को बैलेंस करो, अंकल एरोन बोल रहे हैं स्पाइडरमैन को। Here, ये लो the project, एक प्रोजेक्ट जो इसके माइल्स के डैड ने और प्रोग्रामर ने शुरू किया था, उसकी पेन ड्राइव उन्होंने माइल्स को स्पाइडरमैन को दी है, because we never finished, और ये प्रोजेक्ट कभी फिनिश नहीं हुआ है। Around the way, wanted the city to be our beat, but your dad had the masters. And after things went bad between us, और ये प्रोजेक्ट कभी इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि इसके डैड पुलिस में थे, और उनके जो मास्टर्स, मतलब जो बॉस वगैरह थे, वो नहीं चाहते थे ये मिशन पूरा हो। Plus, it'll take your mind off work. Yeah, yeah. ये माइंड शांत करने का मिशन होगा शायद मेरे हिसाब से। I'll walk you through it. ठीक है, तो कह रहे कि इसको लोड करो, और ये बताएंगे कि ये मतलब जो मिशन था इसके और इसके डैड ने। गाइस, ये है वो साउंड। ठीक है, यही साउंड है, मतलब ऐसे कुछ साउंड है जो इन्होंने बिछाए हुए पूरे शहर में शायद। Rest of the sounds you need are spread across the city. Okay, I left a few messages. 4, 5, 6, 7, 7 ओवरऑल इसमें जो मिशन, मतलब इन्होंने साउंड फैला रखे हैं, तो ये एक एक्सटर्नल साइड मिशन है। Not now. लेकिन प्रॉब्लम कहता है तभी कि अभी अभी कुछ मत करो, ये किससे बात कर रहा है? Yeah, really unique dynamics. See? Oh man, still knows. ये अंकल फोन पे किससे बात कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आया। You were right about clearing my head too. माइल्स कहता है कि उन्होंने इसके माइंड की सारी प्रॉब्लम दूर कर दी है, क्योंकि इसे काफी शांति मिली है वो आज रिकॉर्ड, मतलब सुन के। Where? Okay, Trinity Church. स्पाइडरमैन ने बता दिया है कि जो फिन है, थिंकर जो लीडर है, वो चर्च के चर्च में आने वाली है कल शाम को। You don't have to protect me. तो स्पाइडरमैन कहता है तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों है उसमें, थिंकर में? तो ये कह रहे हैं मुझे तुझे प्रोटेक्ट करना है। सॉरी। You know, you said you never finished this tape because of how things went bad between you and Dad. तो स्पाइडरमैन कह रहा है कि तुम मुझे बता रहे थे ना कि तुमने ये टेप कभी फिनिश नहीं कर पाए, तुम और डैड कभी भी। तो प्रॉब्लम कहता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हारे डैड और मेरे बीच में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। फिनिश द टेप, गेट ऑल द सैंपल्स, एंड यू विल हियर द होल स्टोरी, प्रॉमिस। अंकल कह रहे हैं कि ये सारे टेप का कलेक्शन सैंपल इकट्ठा कर लो और उनको सुन के देखना, तुम्हें सारी स्टोरी पता चल जाएगी। Trinity Church. भाई साहब, इन्होंने लोकेशन बता दी है जहाँ पे स्पाइडरमैन जो है ना फिन से मिलने जा रहा है ना, वो लोकेशन इन्होंने किसी को बताई है और बोला है कि फिन को तुम रख लो, लेकिन बच्चे को अकेला छोड़ देना इसको, स्पाइडरमैन को। ये इन्होंने क्या हमें फंसाने का काम कर लिया है क्या? हमने तो मतलब इनको अंकल समझ के माइल्स ने उनको जानकारी दे दी थी कि ट्रिनिटी चर्च में हम अंकल फिन से मिल रहे हैं। I was beat. ये माइल्स तो सो के उठा। Okay. ठीक है, I'm gonna call Finn. फिन को कॉल करनी है हमें। Soon as I'm ready to...
ठीक है, ऊपर जाके हम लोग चेंज करके फिन को कॉल करेंगे। ओ भाई साहब, ये बैग टांग दिया इसने और ये चेंज सारा सूट चेंज कर लिया है। अभी बारी है फिन को कॉल करने की। ठीक है, नंबर डायल किया जाए फिन का। ओके ठीक है, टाइम टू कॉल फिन। फिन को कॉल कर रहे हैं, हो सकता है उसके पास आंसर हो। फिन को कॉल कर रहे हैं गाइस। स्पाइडरमैन कह रही हाय स्पाइडरमैन। अब इसको माइल्स नहीं बुला रही है, तो हम कह रहे हैं हमें बात करनी है, पर्सनल में बात करनी है। तो फिन कह रही है तुम मुझे झूठ बोलोगे ना, दोबारा मिलोगे, क्योंकि तुमने छिपाया कि तुम स्पाइडरमैन हो, तुमने मुझे बताया नहीं। इफ यू आर स्क्रूइंग विद मी फाइन आई विल सी यू देयर। तो चर्च पे बुलाया है फिन को, तो फिन मान जाती है कि वो चर्च के पास में आएगी। ट्रिनिटी चर्च पे जाना है हमें। चर्च है गाइस इस तरफ, 4000 मीटर दूर है चर्च। तो मैं आपको शॉर्ट में कहानी समझा देता हूँ एक बार फिर से। जो फिन है उसके भाई को रोक्सोन एनर्जी में काम मिला था। वो काम करने के लिए उसको एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें उसने डेवलप किया था न्यूफोम को। न्यूफोम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा कैनिस्टर है जिससे आप शहर के एक हिस्से को कई सालों तक बिजली दे सकते हो। मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी का भंडार है। तो फिन के भाई ने वो प्रोजेक्ट पूरा किया, लेकिन और जो फिन का भाई था वो रोक्सोन कंपनी में काम कर रहा था जिसका मालिक है साइमन क्रीगर। तो हुआ क्या कि फिन का भाई था, उसको पता चल गया एक दिन कि ये जो न्यूफोम उसने बनाया है ना, ये तबियत खराब कर रहा है लोगों की। मतलब वो लोग भी काम कर रहे थे इसमें, तो उन लोगों की टीम भी बीमार पड़ गई। तो उसने उस पे काम करना बंद कर दिया। लेकिन साइमन ने, जो रोक्सोन कंपनी का मालिक था, वो नहीं चाहता था कि काम बंद हो, क्योंकि उसे पैसे से मतलब था। और वो नहीं चाहता था कि ये काम बंद हो, इसलिए जब फिन के भाई ने उस प्रोजेक्ट को बंद करना चाहा, तो उसने फिन के भाई को मार दिया था, रोक्सोन कंपनी के मालिक को। और फिन की आंखों के सामने सब हुआ, तो फिन ने उससे बदला लेने की ठानी। तो एक दिन जब फिन अपनी शॉप में अकेली थी, तो अंडरग्राउंड के लोग उसकी दुकान लूटने आए। तो फिन ने उस टाइम पे उनसे सौदा किया कि वो उनकी हर तरह के गैजेट्स में मदद करेगी। बस उसको जो साइमन क्रीगर है, रोक्सोन कंपनी का मालिक है, उसको डिस्ट्रॉय करने में फिन की हेल्प करो। तब से फिन बन गई थिंकर, अंडरग्राउंड की लीडर। उस टाइम पे अंडरग्राउंड में कोई भी ऐसा कोई खास लीडर नहीं था जो पूरे गैंग को चला सके। तो गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं, 1500 मीटर दूर रह गया बस। तो ये थी कहानी, जो फिन जो है वो बदला लेना चाहती है रोक्सोन से। ओके चलो चलते हैं गाइस आगे। 1100 मीटर दूर रह रहा है बस। यहाँ पे हमें फिन से मिलना है, और हम लोग यहाँ पे क्या है, हमने उसको ट्रिनिटी चर्च में बुलाया है। 900 मीटर दूर है बस। ठीक है, मैं रास्ते में बहुत सारे कनेक्शन छोड़ता हुआ आया हूँ, सिर्फ इसीलिए कि सबसे पहले फिन से मिलूं जाके। ओके गाइस रह रहा है सिर्फ 600 मीटर दूर। आपको मैंने स्टोरी भी बता दी है। इस बार फिन के सामने हम माइल्स मोरालिस बन के नहीं जाएंगे, क्योंकि उसको पता है माइल्स स्पाइडरमैन ही है। दोस्तों ये चर्च आ गया हमारे सामने, हमें यहीं पे इससे मिलना है। ओ भाई साहब, ये है वो चर्च। यहाँ पे फिन है कहाँ पे? ओके गाइस वो रही फिन, और ये हम लोग आ गए। ये खड़ी है इधर, इसको पता नहीं हम इधर पता चल चुके। गुस्सा है, ये कह रही है कि तुम मुझे कब बताने वाले थे कि तुम स्पाइडरमैन हो, जब मैं तुम्हें मार देती तब बताते। कह रही है मैं चाहती हूँ तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें अंडरग्राउंड में गैंग में शामिल करने का वादा इसलिए किया था क्योंकि तुम मुझे समझते थे। Roxxon needs to pay. स्पाइडरमैन कहता है उसे पता है इसके भाई के साथ क्या हुआ, और रोक्सोन को वो भी बर्बाद करने में उसकी हेल्प करेगा, लेकिन इस तरीके से नहीं, जिस तरीके से फिन चाहती है। Please. I can't. I made a promise. तो स्पाइडरमैन कहता है कि उसने प्रॉमिस किया है, वो गलत तरीके से किन्हीं भी लोगों का साथ नहीं देगा। So did I. और यही प्रॉमिस इसकी
फ्रेंड ने अपने भाई से किया था। Why did you pick here? तो फिन कहते हैं उसने उसको यहाँ क्यों बुलाया है? Dad brought us. कहता है मेरे पापा मुझे यहाँ लेके आते थे। To that concert. कॉन्सर्ट सुनने के लिए। Seven choirs from seven countries. यहाँ पे चर्च है ना, तो यहाँ पे कॉन्सर्ट वगैरह होते रहते हैं। Ghana was my favorite. Ghana wasn't there. You're thinking of Guinea. No, I'm pretty sure it was that. Guinea, Belize, Poland, Cuba. सिर्फ रोक्सोन एनर्जी को कंपनी को खत्म करने के लिए। I usually am. Usually. Okay, guys, कुछ हो रहा है। इसको कुछ सेंस हो रहा है। हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है। अबे ये राइनो है शायद। ओ भाई साहब, ये तो राइनो आ गया है। और इसने हमला कर दिया है फिन पे। ओ भाई साहब, उसने स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड पे हमला कर दिया इसने। ओ भाई, इसका पैर पकड़ लिया इसने। शिट, ओ शिट, इसने फिन को बहुत बुरी तरह जमीन पे पटक दिया है। तो स्पाइडरमैन यहाँ पे आता है इसके पास, इसको मारने की कोशिश कर रहा है। कोई असर नहीं हो रहा उसको और हंस रहा है ये। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? इसका सिस्टम क्रैश हो गया स्पाइडरमैन का। इस कमीने ने तो स्पाइडरमैन को पकड़ लिया है। ये तो जेल में था, सिस्टम एरर आ रहा अभी। ओके, ये रॉक्सोन कंपनी का मालिक है साइमन क्रीगर। ये सामने इन्होंने बंधक बना लिया स्पाइडरमैन को। थीमस मेसन kind of knew she was going to be a handful. ये कमीना साला बहुत हरामी है। इसने स्पाइडरमैन को बांध रखा है। You and me would see eye to eye. Where are we? स्पाइडरमैन पूछता है हम कहां है। You're behind the curtain, bud. पर्दे के पीछे। तो ये साइमन कहता है पर्दे के पीछे। Our most secure facility. ये इसकी सबसे सिक्योर जगह है। Sausage gets made. You're a real prick. Okay, guys, फिन भी हमारे पीछे है। देख रहे हो पीछे? You know, when her brother and I were developing. कह रहा है कि जब इसका भाई और हम डेवलप कर रहे थे ना, इसने बोला। तो फिन इसकी बात काटती है और कहती है कि वो मेरे भाई ने डेवलप किया था, तू चोर है। और ये गुस्सा हो जाता है ये आवाज सुन के। But let's not dwell. इसको चोर बोलते हैं ना, कि तू दूसरों का आइडिया चुराता है। ठीक है, ये स्पाइडरमैन पे ध्यान दे रहा ज्यादा। ओ भाई, इसका मास्क उतारा तो ऐसा झटका लगा। क्या रहा, ये बहुत असम था, मतलब झटका लगा इसको। Are those involuntary defenses? ये oh man, that's hard. Is he? कह रहा है कि मैं तेरा मास्क उतारने वाला हूँ, उतारूंगा तेरा मास्क। And I'm gonna find out what makes you tick. और ये देखूंगा कि तेरे पास ऐसी क्या ट्रिक है जिससे तू smell like इस next level की bio energy engineering क्या कर रखा तूने? That smells like money. सिर्फ इसे पैसे से प्यार है। ये स्पाइडरमैन को भी नहीं छोड़ेगा। Okay. भाई साहब, ये स्पाइडरमैन को मारेगा और इसके जो पावर है उससे पैसा कमाएगा। तो ये कह रहा है मुझे जिम में जाना है। लड़की को मारो, कुछ भी करो, इसे तो न्यू फोन का कैनिस्टर चाहिए, इसने बोल दिया। ओ भाई साहब, ये पहले स्पाइडरमैन को मार रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो ब्रिज पे हमने शुरू किया था ना, वो हम खत्म करेंगे। ओ माय गॉड, स्पाइडरमैन की धुनाई हो रही है। ये मार देंगे स्पाइडरमैन को। शिट, बहुत बुरी तरह। लेकिन फिर को दर्द हो रहा है। फिन स्पाइडरमैन को पिटते हुए देख रही है, क्योंकि स्पाइडरमैन की एनर्जी वापस आ रही है। ये गायब होने की कोशिश कर रहा है। ओ शिट, मुझे इसको डैश करना होगा। ओ भाई साहब, चलो मेरी एनर्जी वापस आई तो उसने सब कुछ फोड़ दिया, सारे बंदे डेड हो गए। वाओ, लेकिन इसको बहुत मार पड़ी है, इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिन कहती है वो तुम्हें मार देते यार, स्पाइडरमैन को मारने वाले थे वो लोग। ये लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि ये तो बहुत सिक्योर जगह है और बाहर राइनो भी है। ठीक है, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिन यही बोलती है इससे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। ओके, अभी फिलहाल स्पाइडरमैन थोड़ा ठीक है। It's crazy. Okay, हम लोग जब इस पहले एपिसोड में इन लोगों ने राइनो को पकड़ा था, तो उसने बोला था कि वो राइनो को पुलिस को देने वाला, लेकिन उसने नहीं दिया। I'm shutting off security cams. Can you check that computer? Okay, फिन कहती है कि वो कैमरा ऑफ कर रही है, तो तुम एक बार कंप्यूटर पे देखो, सिक्योरिटी कैमरा को ऑफ कर देगी वो। तो स्पाइडरमैन कंप्यूटर में उंगली करता है। What did you find? क्या मिला तुम्हें? फिन पूछ रही है। There's the exit. Exit है यहाँ पे, लेकिन ऑफिस के बाहर है। The base lockdown first. और हमें पहले लॉक बेस को लॉक करना होगा, उसके बाद हम बाहर निकल पाएंगे।
I'll go down to the floor, see what we're dealing with. Okay, ये लोग फ्लोर पे जा रहे हैं, नीचे देखते हैं फ्लोर पे है कौन, किससे इनका लड़ाई किस चीज से है. तो ठीक है गाइस, फिन तो निकल गई है, हम लोग वेंट से जाएंगे. They worked in the cell. She worked on the door. ठीक है, हम लोग जाएंगे वेंट से. ओके गाइस, ये कुछ है यहाँ पे सर्किट, इसको डैमेज कर देते हैं. भाई साहब, It's unlocked. I'm headed to the floor. यहाँ पे वेंट अनलॉक हो गया है, वो फ्लोर पे जा रही है, हम लोग भी नीचे जा रहे हैं. ठीक है, इस तरफ जाएंगे. भाई साहब, सिक्योरिटी डोर इज आवर वे आउट, बट आई विल हैव टू हैक अ फ्यू टर्मिनल्स टू डिसेबल द अलार्म. ओके, हमें सभी चीजों को हैक करना होगा और अलार्म को डिसेबल करना होगा. लेकिन यहाँ पे देख लो कितनी सिक्योरिटी है गाइस, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है. कितने बंदे हैं? 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7. What's up with these power outages? गाइस, इसको ऊपर उठाना पड़ेगा. ऊपर आ कमीने, ये ले, ये मैंने चिपका दिया एक तो. There's two more ahead. ठीक है, दो बंदे उधर हैं और ऊपर कौन है? ये साइंटिस्ट होंगे, इधर देख रहे हो ग्रीन कलर में. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. दो हैं इधर. ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे समझ गया मैं. ये लो, इन दोनों को बिजली का झटका दूंगा. ओ भाई साहब, ये गए, इन दोनों तो डेड हो गए हैं. अभी बाकी है, बारी है मेरे पास. जो माइंस है वो खत्म हो चुके हैं, रिमोट माइंस. यहाँ पे 2, 2, 4 और 2, 6 बचे हैं. Don't really see the point of holding Spider-Man and Tinker. You should just get rid of them. कोई देख रहा है, कोई देख रहा है? नहीं, किसी को कुछ महसूस हुआ ये वाले बंदे को. ठीक है, ये इस तरफ. ये लोग सतर्क हो गए क्या? ये बता रहा है, ये सबको बता रहा है. एक मिनट, ये गया. एक और आ रहा है, मुझे ऊपर जाना होगा. ये मैं चला गया हूँ. इसको आवाज आई थी. ऊपर आ. नहीं, गया, ये भी गया. ठीक है, ऐसे ही मैं सबको निपटाऊंगा. अब किसकी बारी? ओके गाइस, मैं यहाँ पे इसको भेजता हूँ वेब से. ये इसको चेक कर. आवाज नहीं हुई भाई, जाना वहां, जाना है तेरे को. ओके. ओ भाई साहब, ये करंट लगा अंदर को. ये भी गया भाई साहब. ठीक है, दो बंदे बचे अभी. इधर देख लो, दो बंदे बचे बस. रनिंग अ साइफर. ओके, ये दोनों जा रहे हैं चेक करने. एक गया और दूसरा बचा है सिर्फ एक. और भी आ गए क्या? शिट, अबे मार रहा है. इधर दे, ये ले, ये भी दे. शिट, बम किसने फेंका? मेरी हेल्प. भाई साहब, ये तो एकदम से आ गए. शिट, इधर तो फिर से बम. ये लो सालो, ये शील्ड वाला बंदा है. ये मैं पहचा, ये शील्ड वाले को मार दिया मैंने. ये मैं पहचा. बहुत हैवी लड़ाई होने वाली है. ये ले, ओ तुम मेरे मुख खा साले. ये साइमन ने इनको सिक्योरिटी को पाल. अबे यार, पंच. ओ ये लो, मुक्का भी खाओ. ये भी गया. एक मिनट, इधर बचा ना. ये गया, ये जमीन पे. ओके, ओ माय गॉड, ये गया. डेड हो गया. ठीक है, हमने निपटा दिया सबको. यहाँ पे फिन है. I'm shorting the maglock. I need you to trigger the override back there. On it. ओके, हमें ओवरराइड करना है किसको? एक मिनट. ओके, really? Why Tinker? It's a nickname. ये पूछ रहा है कि तुमने अपना नाम टिंकर क्यों रखा? When he was teaching me to repair stuff in the shop, he'd call me the little tinkerer. The little tinker बोलता था इसका भाई टिंकर का. Makes me think of him. का भाई इसको little tinker, tinker बोलता था, तो इसने अपना नाम टिंकर रखा है. ठीक है गाइस, ये पता चल गया है. हमें उस सिस्टम को ओवरराइड करना होगा जो यहाँ पे रखा हुआ है. Like some kind of record archive. ये क्या है? ये देख लेते एक बार. Hey. Roxxon stealing your stuff. Okay, Roxxon भी इनके स्टफ चुरा रहा है. देख रहे हो, हमें वही बक्सा मिला है जो ये लोग अपना यूज करते हैं. मतलब जो अंडरग्राउंड लोगों का जो बक्सा है ना,
triggering the override. There's a voice memo on here. Yeah, voice memo bhi hai yahan pe. They're asking about Rhino. What do we tell them? Our man at the raft is setting up a special work release program. Tell the police Rhino's doing the little community service. Can't believe they got away with this. Isne jo Simon hai na, isne Rhino ko ye bol ke police ko nahi diya ki ab wo Rhino se na kuch social kaam karayega. मतलब उसने पुलिस को सौंपा ही नहीं था उसको, तो हमें वहां पे एक सबूत मिला जहां एक छोटी सी रिकॉर्डिंग थी जहां पे जो पुलिस है वो पूछ रही थी कि राइनो जो पकड़ा था वो कहां है, तो इसने बोला कि पुलिस को कि अब राइनो से हम सोशल काम कराएंगे तो आपको उसको ले जाने की जरूरत नहीं, अब हम उसको सुधार देंगे. ठीक है, you know if we work together we could do a lot of good for New York. Yeah, but only if we figure out how to trust each other. ठीक है गाइस, इस गेट को ओपन करते हैं. ओके, ये बहुत भारी है. Shit. I can't let them go. Oh, bhai sahab, ye kaun hai? Ye kaun hai? Kisi ki awaaz aa rahi hai. Prowler. Your muscle was only supposed to grab the girl. Prowler keh raha hai ki tumhe sirf ladki ko dhoond lena tha. Ladke ko nahi chhedna tha. Here's the deal, bud. Spider-Man's the best leverage I got against Miss Mason. I mean, Prowler iske saath mila hua hai. Iska uncle. Together. Well, I mean, you caught them, but it was thanks to your intel. So यहाँ पे पता चल गया है कि प्रोबलर ने इसको जानकारी दी थी इसके अंकल ने कि जो फिन और स्पाइडरमैन कहाँ मिलेंगे. To leave the kid alone. तो अभी ये कह रहा है. Uncle Aaron. The kid. I love how you say that. It's just so paternal. अभी भी अंकल कह रहे हैं कि उसको छोड़ दे, लेकिन वो नहीं छोड़ता उसको. Let Spider-Man go. अभी भी कह रहा है कि स्पाइडरमैन को जाने दो, मैं तुझे अंडरग्राउंड से उसको दिला दूंगा. See? Leverage. जो न्यू फॉर्म का कैनिस्टर है. My Spider-Man. Okay. Here's leverage for you. I've seen things. New form making people sick. What you did to Rick Mason. If I would. Problem कह रहा है, मुझे पता है कि तूने Rick Mason के साथ क्या किया. ये बीमार करता है सबको. You're a wanted thief. Plus all the jobs we've done. तो साइमन कह रहा है, तू एक चोर है, तेरा जो काम था वो तूने कर दिया है. Right next to mine. And we both know you're a little too self-serving for that. So, we're gonna head in and check on Miss Mason and Spider-Man, but it's kind of an invite-only party. तो ये जाने के लिए बोलता है, तू यहाँ से चला जा. स्पाइडरमैन को तो नहीं छोड़ने वाला वो. इसने मना कर दिया कि वो स्पाइडरमैन पे एक्सपेरिमेंट करेगा. तो अंकल जो एरोन थे वो चाहते थे कि माइल्स को कुछ ना हो. यार ये तो अभी देखो स्पाइडरमैन को झटका लगा है. Is that the reason we got captured? No. Finn कह रही है कि Finn कह रही है कि क्या वही आदमी है जिसकी वजह से हम पकड़े गए? He sold me out. I can't believe this. You led me into a trap. Finn कह रही है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि स्पाइडरमैन ने उसको इस खतरे में डाला. तो इसके पास स्पाइडरमैन के पास कोई आंसर नहीं है भाई, क्योंकि स्पाइडरमैन को खुद ही नहीं पता था कि उसके अंकल रोक्सोन के लिए काम कर रहे हैं. चलो ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं. इसको ओपन करेंगे हम. कैसे ओपन करेंगे? How did you open the other door? Could you do it again? कैसे? ओके गाइस, यहां से ओपन होगा ये. ठीक है, इसकी सारी एनर्जी सोख लूंगा मैं. ओके गाइस, ये ओपन हो गया है. यहां पे और भी है क्या? They initiated a lockdown. That's the control room we have. वो कंट्रोल रूम है, वो ऑटोमेटिक लॉकडाउन हो गया है. Got a maintenance panel here. ये क्या है? It needs power. Let me see what I can do. Okay, Spider-Man ने power बंद कर दिया, इसलिए वो लॉक हो गया है. Gotta be attached to a generator. Okay, yeah, generator से attached होगा generator. Kinda need you down there with the machines. Just need some venom. We'll have power. ये वाला generator है वो, जो अभी खुल के आया था. ये लो भाई साहब, वापस मैंने electricity वापस दे दी इसको. There. Got power. Accessing. Power वापस आ चुकी है. I can't hotwire the shutters, but I can move machinery. Like that crane. Maybe we can use that. I'll look around. हमें ये वाला ओपन करना है. ये अरे यार, माइंस तो नहीं कर दी मैंने. नहीं, माइंस नहीं गिर दी है. ओके गाइस, ये हमें करना था. Use a laser. अब अभी हमें जैसे ये यहाँ से कंडक्ट कर दिया मैंने, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है यहाँ पे, और ये बिजली यहाँ से इस ओवरचार्ज द इंजन, और इंजन ओवरचार्ज हो चुका है. अब ये इंजन आगे जा रहा है, देख लो. थोड़ा टिपिकल था लेकिन कर दिया मैंने. ओके, मुझे इस पे वैनम पंच मारना होगा. केले भाई साहब. ओके, इसको उठा के फेंकना है क्या? भाई साहब, फोड़ दिया मैंने, फोड़ दिया उधर.
ठीक है मैं अंदर जा रहा हूं. That's our way out. Okay, यहां से बाहर जाने का रास्ता है. Looks like they guessed our plan. Not hard. Okay, और लोग आ रहे हैं, और लोग आ रहे हैं भाई साहब, और लोग आ रहे हैं. All right. ठीक है. I'll take care of those guards. Spider-Man गार्ड को निपटाएगा और तुम डोर को ओपन करना. इसने ये बोला कि फिर तुम डोर को ओपन कर रहे हो और मैं गार्ड को सबको मारूंगा. Think about calling me to tell me you were Spider-Man. पूछ रही कि तुम क्या सोच रहे थे जब तुमने मुझे बताने की कोशिश की तुम स्पाइडरमैन हो. जब मेरे पेरेंट्स डेड हुए तो जो मेरा भाई था वो मेरा डैड बना. I'd miss having a brother, but I had you. ओ भाई साहब कोई आ गया. इसने गेट बंद कर दिया. स्पाइडरमैन अपनी वेब से गेट बंद कर दिया. ये दोनों कुछ बात कर रहे थे लेकिन तभी गेट पे सिक्योरिटी आ गई. ओके सिक्योरिटी चारों तरफ फैल चुकी है यहाँ पे. ये क्या है भाई, ये क्या ले रहा है, कैसी लेजर ले रहा है ये? Those guys with the lights on their helmets can spot heat signatures. Okay. They'll see you if you try to go invisible. Okay, ये अगर मैं invisible पे होऊंगा ना, तो ये body heat से पहचान लेगा. उस बंदे से बचना होगा मेरे को. Millions of dollars in untaxed money. You clear the floor. I'll work on overriding. इस बंदे से तो बच के रहना होगा. तो ये ऊपर आ पहले. ऊपर आ. ये गया. ठीक है guys, ये बंदा heat signature वाला तो मैंने निपटा दिया. एक बंदा और है heat signature वाला. देख रहे हो? आ रहा हूँ तेरे पास. You good in there? Yeah, those webs are holding the door. Whole base is on alert though, so be careful. ठीक है, इसको उठाता हूँ, इसको. ऊपर आ, ऊपर आ तू. ये ले भाई साहब. एक आगे वाला भी जा रहा है, आगे वाला भी जा रहा है. अंकल कहाँ जा रहे हो? ऊपर आओ, आप भी ऊपर आओ. ये लो, तुम्हारी पैंस कटना. ठीक है, एक बंदा और आ रहा है, एक बंदा और आ रहा है. इसको भी नहीं छोड़ेंगे. एक मिनट, इसके ऊपर तो मैं ये गिराऊंगा. नहीं नहीं, ये तो कहीं और जा रहा है, ये तो कहीं और जा रहा है. आ जाओ ऊपर, आ जाओ ऊपर. ये ले, चिपका दिया. ओके भाई साहब, ये मैंने चिपका रखे हैं और एक उधर जा रहा है. आहा, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं. चिपकाऊंगा तुम्हें. ऊपर आओ. इधर आओ भाई साहब, तुम्हारी गन भी गिर गई तुम्हारे हाथ से. देखा, और भी. एक बंदा ऊपर जा रहा है, ऊपर आ रहा है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास. ऊपर आओ. ये लो, ये भाई साहब चिपक गया. ठीक है, एक बंदा और है यहाँ पे, लेकिन इसको उठाना नहीं है मेरे को अभी. मैं इसको उठाऊंगा पहले. ये अकेला खड़ा है. ओ भाई साहब, अंकल कहाँ घूम रहे हो? ये लो. आगे आगे जाओ, आगे. ठीक है, एक बंदा यहाँ ये बैठा हुआ है, देख रहा है, मतलब आगे नहीं बढ़ रहा है. आप इधर आओ. ओके, इसको कोई असर नहीं हो रहा भाई साहब. कोई बात नहीं, एक सिंगल खड़ा है उधर, देख रहे हो? उसको तो मैं ऐसे ही निपटा दूंगा. आ रहा हूं बेटा तेरे पास ही आ रहा हूं. रुक जा, उठाता हूं तेरे को ऊपर. ओ ये गया. I know you don't trust me. You're right. I don't. What can I do to change that? Stop going behind my back and stop acting like I haven't thought this. Spider-Man, अगर मुझे पता तो मुझे भरोसा नहीं करते फिर. तो कह रही हां बिल्कुल, मैं नहीं करती तुम पे भरोसा. Guys, देख रहे हो यहां पे दो बंदे और हैं और एक उस तरफ खड़ा है, तो पहले मैं इसी को देखता हूं पहले. I promise to listen. Really listen. I made up my mind. तो मेरे से you need to start accepting that. ऐसे खड़ा बहुत देर से. I'm gonna have to stop you. एक बंदा, एक और था जो इधर उधर ही घूम रहा है. आ रहा हूं, आ रहा हूं, इसी के पास आ रहा हूं. नीचे घूम रहा है ना ये. ऊपर आ, ऊपर आ. क्या चिपक. ठीक है, ये बना क्या रहे हैं यार, ये देख रहे हो? इंजन ही निकाल के फेंक दिया मैंने. RX-97, report in. ओके, ये आप देख रहे हैं. Responding. Get eyes on his position now. ओके गाइस, मैंने अपना ड्रोन छोड़ दिया गलती से. आ रहा हूं तुम्हारे पास. They know you're here. They're calling reinforcements. ओके, और रिपोर्टमेंट, मतलब और इनकी मदद आ रही है. ये मैं बचा. बहुत ज्यादा उछल रहे हो सालो.
क्या बचा क्या भाई साहब चला फिर बचा चला अभी मैं वेनम एनर्जी यूज नहीं कर सकता हेल्थ बढ़ा लेता हूँ लेकिन ओ भाई साहब शिट बम अरे यार ये बम मार रहा है ओके ले दिस योर्स और भी है क्या और भी है और भी है कितने बंदे आए और अरे ये ले आ रहा हूँ तेरे पास ओ भाई साहब बचा ओ भाई साहब शील्ड वाले बंदे आ गए इधर देख शॉट ये ले तो मैं फिर बचा शिट मेरी हेल्थ मेरी हेल्थ मेरी हेल्थ फिर से हेल्थ बढ़ाओ शिट ये लो सालो छोड़ छोड़ इसको ओह माय गॉड छोड़ छोड़ ये भाई साहब ये शील्ड वाले बंदे छोड़ छोड़ ओपे यार बम फेंक रहा है फेंक खाली सारे रे शील्ड हट हट गोली अपने बंदे से भी गोली खा रहा है वो शील्ड उठा के बैठ गया मेरी हेल्थ ओह ये ले सरेंडर नाउ उठा लो आ रहा हूँ ये ले भाई साहब पीछे शील्ड वाले बंदे पड़ गए मेरे को शिट और तेरी शिट ये गया क्या भाई साहब ये तो गया हेल्थ बढ़ा लेता हूँ हेल्थ चल हट गोली मारेगा तेरी ये ले ओ भाई साहब बिजली का झटका खा तू ये गया और भी है क्या सारे ठीक है हमें ऊपर जाना है वेंट पे ठीक है गाइस वेंट पे जाते हैं देखते हैं यहाँ पे ऊपर जाना यार ऊपर जाने दो मेरे को इस लेजर से मैं ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ ऐसे चला जाऊंगा ऊपर ऊपर ये आ गए मैं ऊपर ठीक है मुझे वेंट के अंदर जाना है इसके What if we went public about Rick's death? Guys, यहाँ पे रोक्सून की लैब है ये कैसी है चारों तरफ मेरे टैंक है देख रहे हो रोक्सून ने अपने टैंक बनाए हुए हैं काफी सारे और मुझे सामने जाना है रोक्सून वाली बिल्डिंग ये बिल्डिंग का क्या एग्जिट है ये मेरे हिसाब से एग्जिट है ठीक है गेट ओपन हो रहा है I think that's the exit. Okay, लग रहा है वो एग्जिट हमारे सामने देख रहे हो ये इन्होंने थिंकर से हाथ से लेके इन्होंने हाथ में से चुरा लिया था और अपनी लैब में यहाँ पे रख दिया था तो फिन कह रही है ये क्रीगर की लैब है mostly for show but yeah Rick showed me a photo once Krieger's lab wait okay ये क्रीगर्स की लैब है तो यहाँ पे पक्का हमें कुछ ना कुछ मिल सकता है all the current new form project data is on here okay सारा new form का जो डेटा है प्रोजेक्ट का डेटा वो सब यहीं पे है उसके फेल होने के उसके रिव्यूज उसके सक्सेसफुल होने के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे हैं। This would destroy Rock's ये रॉक्सून को डिस्ट्रॉय कर सकता है क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा होगा ओके गाइस कुछ गड़बड़ है शिट राइनो आ गया फिर से ओपे यार ये फिर आ गया पिछली बार इसने स्पाइडरमैन को धूल चटा दी थी कह रहा तुझे मेरा नया कलर पसंद आया ये तुझे मसल के रख देगा जैपी पॉप कम ऑन जैपी पॉप कह रहा मैं तुझे मार दूंगा स्पाइडरमैन ओ भाई साहब फिन ने आके रोक दिया उसको अपनी शील्ड से क्या गजब की शील्ड है यार फिन के पास तो अरे यार इसके बैकअप प्लान वो भी आ गए ओके गाइस मुझे बचना होगा ये मैं बचा इसकी कार पे बैठ के इसकी सवारी कर रहा हूँ और इससे टकराता हूँ इसको इसके टैंक से ओके इसके आर्मर मेरे को ब्रेक करना होगा तेरी पैस कटना साले ओपे मार रहा है आ जा ये मैं बचा फिर से
तेरी कमर पे बैठ के सामने वाले टैंक में टक्कर मार। ये ले, ये ले। ओरे भाई साहब, ओ तेरे गेंडे के मुंह पे लात ले। ओ मैं बचा, आजा, आजा। ओ भाई साहब मैं बच गया तेरे से, फिर से टैंक में टक्कर मारेंगे। ये ले, शिट, टैंक में टक्कर लगवानी है टैंक में। ठीक है, आजा आजा आजा, आजा। वेट कर रहा हूँ, ये मैं बचा। टैंक किधर है? इस तरफ टैंक। ओरे भाई साहब एक और टैंक गया। ये ले, तेरी भैंस की पूछ। ओह माय गॉड, किसका तो मैंने बगंदर बना दिया। चल, ओह भाई साहब थिंकर भी मार रही है इसको। फिन, इसका यही सीम तोड़ दिया हमने तो। आजा, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? ओरे टैंक, ओह भाई साहब टैंक फेंक रहा है। Maybe if I charge the engine. Okay, हमें इंजन को चार्ज करके इसी में फेंकना होगा। ये ले, shit. ये ले, भाई साहब इंजन चार्ज करके इसके ऊपर फेंकना होगा। तेरी भैंस की पूछ। आजा। Permanently. I'm not gonna kill you. अबे क्या फेंक रहा है पत्थर? बावली पूछ। फिर से टैंक फेंक रहा हूँ। ओके मैं समझ गया, चार्ज करना होगा। ये ले, भाई साहब। ओके फिनिशिंग मूव। अबे नहीं 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 नहीं, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? फिर से टैंक उठा के ला रहा है। ये मैं बचा। ये चार्ज, फिर से। ओके यार वो इंजन कहाँ गया? Shit! Oh, भाई साहब, ये चारों तरफ आ रहा है। इधर मुझे ये चार्ज करना है। ये हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। Did you think you could escape us that easily? अबे यार ये चार्ज नहीं हो रहा क्योंकि मेरी वेनम एनर्जी कम है। आजा, अबे बचा। आग हो गई मेरी वेनम एनर्जी पूरी। ये ले भाई साहब, इसका आर्मर ही तोड़ दो अभी। ओह शिट, शिट, मारा मारा इसने, मारा मेरे को। ओह शिट, बिन, ये गायब हो रहा है। फोकस, वी ऑलमोस्ट गॉट हिम। ये मैं गायब हो गया हूँ। यू डैमेज माय आर्म बट नॉट माय अनब्रेकेबल वॉरियर। मैं गायब हो गया हूँ। हट, ओके गाइस वो मार रहा है मेरे को। ये गया, मैं चार्ज कर सकता हूँ। अबे यार कहाँ है, कहाँ है पीछे? शिट, इंजन इंजन चार्ज करना होगा मेरे को। ये ले कमीने, चलट, इसमें पूरी बिजली, तेरी प्यास की पूछ। ये ले, ओ भाई साहब नीचे से मैंने तो ब्रश से निकाल के। ओके फिन ने भी इस पे बहुत जोरदार वार किया है। रॉक्सॉन का आर्मर डिसेबल हो गया है। अब मेरी बारी, स्पाइडरमैन की बारी। ठीक है आजा। ये मैं बचा। इधर आ, टक्कर मार। ये ले तेरी भैंस की तरह साले, रॉक्सॉन का आर्मर बनाया हुआ था ना तेरे पे। इसको कह रहा है दिस वुमन इज थीफ। ओरे भाई साहब, अबे कैसे मरेगा? शिट, फिर से ये भाई साहब, ओ तेरी भैंस की, ओ ब्लास्ट, वेनम ब्लास्ट, सब में एनर्जी एनर्जी फैल गई, सारी लैब में एनर्जी एनर्जी हो गई। वेट, जस्ट स्पाइडरमैन कहता है रुक जा, कुछ मत कर, कुछ मत करना, मैं अभी आ रहा हूँ। थिंकर को बोल रहा है कुछ मत करना, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके ये कहाँ पे गया? ये लैब में वापस गया जहाँ पे डेटा देख रहा था। ओके क्रिगर का डेटा हम बंद करेंगे जब रॉक्सॉन जो डाउन हो जाएगी तब। वो रॉक्सॉन का डेटा चुराने गया, लेकिन राइनो इसको कुछ बोल रहा है।
die. तेरा क्रिगर ने मुझे बताया, राइनो बोल रहा है, क्रिगर ने मुझे बताया तेरा भाई कैसे मरा, तड़प तड़प के हंस रहा है राइनो. He also told me. राइनो कह रहा उसने मुझे और भी बताया है क्रिगर ने, ये सब तेरी गलती थी. ये थिंकर मतलब फिन को उकसा रहा है. Try to supercharge it to make his deadline. जो रोक्सोन ने जो है ना न्यूफोम को इतना चार्ज कर दिया है कि अगर वो फटा तो पूरा हार्लेम शहर तबाह हो जाएगा. और राइनो यहाँ बोल रहा है कि तूने उसको मरने के लिए छोड़ दिया और देखते रही उसको मरते मरते हुए देख रही थी अपने भाई को. इसको गुस्सा दिला रहा है. शिट, ये मारने जा रही है. स्पाइडरमैन को सेंस हो गया है. नहीं नहीं नहीं, मार मत मार मत. शिट, मार दिया इसने राइनो को, मार दिया क्या. लेकिन स्पाइडरमैन इसको बहुत जोरदार धक्का दिया और राइनो तो वहां बंद हो गया है. इसे क्या लग रहा है, ये क्या कर रही है. फिन, व्हाट द हेल. ओ भाई साहब, इसके दिमाग को हो गया क्या. तो स्पाइडरमैन को मारने लगी पागल लड़की. शिट, ओ भाई, ये कह रही है मेरी लैब डिस्ट्रॉय कर दी और मुझे किडनैप, मैं मेरा किडनैप करा दिया. फिन, स्पाइडरमैन को बहुत बुरी तरह मारा इसकी गर्लफ्रेंड ने. कम नियर मी अगेन, मैं मार दूंगी तुझे अगर मेरे सामने कभी आया. फिन ये बोल के चली जा रही है यहाँ से, जा रही है. स्पाइडरमैन कहती है कि स्पाइडरमैन कहता है कि तुम तो फैमिली है. तो फिन कहती है कि मेरी फैमिली डेड हो चुकी है, कोई मेरी फैमिली नहीं है. तो गाइस यहाँ पे स्पाइडरमैन गैंकी को कॉल करता है, कह रहा है मुझे हेल्प की जरूरत है. तो गैंकी इसको लेके आता है अपने घर पे, अपने नहीं मतलब स्पाइडरमैन के घर पे. देख रो अबे यार स्पाइडरमैन. I'm gonna go grab a wash. और वो some antibiotics. ठीक है. Guys, Spider-Man की हालत बहुत खराब हो गई है, बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है. मैप भी ऑफलाइन जा रहा है क्योंकि इसका जो जितना सारा सिस्टम है ना सब खराब हो गया है. इसकी गर्लफ्रेंड अभी तक तो इसके साथ थी, लेकिन अभी इसने राइनो को मारने के लिए जैसे उसको धक्का दिया वो मारने जा रही थी, वो गुस्सा हुई इतनी सी बात पे. अरे किसी को मारना थोड़ी ना है. तो अभी स्पाइडरमैन बहुत जख्मी हालत में है और वो अगर उसने थिंकर ने अगर न्यूफोम को ब्लास्ट करने की कोशिश की या उस ब्लास्ट से उसने सोचा कि रोक्सोन एनर्जी कंपनी को मैं ब्लास्ट कर दूंगी, तो वो सोचना उसका गलत है. यही बताना चाह रहा था स्पाइडरमैन अपनी गर्लफ्रेंड को, अगर उसने ब्लास्ट किया पूरा शहर तबाह हो जाएगा, हार्लेम पूरा शहर तबाह हो जाएगा. गाइस मामला बहुत सीरियस हो गया है, माइल्स की हालत बहुत खराब है. वीडियो हो चुकी है 46 मिनट लंबी. तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या होने वाला है. थिंकर इतना बदल जाएगी एकदम, स्पाइडरमैन को ही मारने लगी. अब स्पाइडरमैन क्या करेगा, थिंकर को मारेगा क्या, अपनी गर्लफ्रेंड को मारेगा क्योंकि उसे पूरा शहर बचाना है. एक तरफ उसकी गर्लफ्रेंड है, एक तरफ पूरा शहर है, तो किसको बचाएगा ये देखेंगे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में. बैटल वुल्फ गेमिंग चैनल देख रहे हैं आप दोस्तों. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब द बैटल वुल्फ गेमिंग चैनल. और कमेंट करके बता दीजिए कि आपको वीडियो अच्छी लगी है. तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच. मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग. तब तक के लिए थैंक यू.